सारे मुरारी निकले मेरे मुख से। पूरा जीवन के कर्म एक तरफ और मैच की वो आखिरी गेंद एक तरफ। सांसें बंद होने के बाद भी बोनस की सांसें एक तरफ और पूरे जीवन में ली अरबों सांसें एक तरफ। केवल सदगति वहां है कि यदि आपका अभ्यास है उस समय मन न डोल जाए, उस समय चिंतन कहीं भौथरा ना हो जाए। सुखदेव मुनि बताने लगे कि ईश्वर कैसे मिलेंगे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपे मन संधारिये दिया। कि इसके लिए नियम से रहना पड़ेगा, आपको आसन सिद्धि आनी चाहिए, बैठना आना चाहिए। यम नियम आपके जीवन में होने चाहिए। सत्य अहिंसा अस्ति अपरिग्रह ब्रह्मचर्य का आपके जीवन में संकेत होना चाहिए। शौच संतोष तपसीत इसका अभ्यास होना चाहिए, तब ईश्वर मिलेंगे। उन्हें साधने का अभ्यास क्या है? कभी आपने शिव मंदिर देखा हो? आप हर तरफ जहां आप सीखना चाहेंगे, आवश्यक नहीं है कि आपका गुरु बहुत योग्य हो, वो आपको संकेत करे, हर प्रश्न का उत्तर दे। क्योंकि गुरु और देव मूर्ति तो आपके भाव से जागृत होते हैं। भक्त कैसा मिला उससे देव प्रतिमाएं जागृत होती हैं, शिष्य कैसा मिला उससे गुरु जागृत होते हैं, पुरोहित कैसा मिला उससे अनुष्ठान जागृत होते हैं। यदि आप अपनी स्थिति को गौर समझें और देने वाले की स्थिति को ऊंचा समझें तो आप गलती पर हैं। आपको वैसा मिलेगा जैसा आप बन के गए हैं, आपको उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आप जितने के अधिकारी हैं, आप अधिकारी बनिए, पात्र बनिए, श्रेष्ठ बनिए, तो आपको ईश्वर मिलेंगे, वो तत्व मिलेगा। और अगर आप नहीं हैं तो बनिए, प्रारंभ करिए। कभी अष्टांग योग के दर्शन आप शिव मंदिर में करें, कोई प्राचीन शिव मंदिर बना हो, पुराना शिव मंदिर, तो आप देखेंगे पहले 5 सीढ़ियां हैं, 5 यम हैं, फिर 5 सीढ़ियां हैं, 5 नियम हैं। पहले जीवन को 5 यम में बांधें, सत्य अहिंसा अस्ति अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, सत्य की साधना करें। दूसरों की को छल पूर्वक लेने की युक्तियों से बचें, ब्रह्म ईश्वर में ध्यान रखें, अपना जीवन जिए, अपने शरीर की शक्ति न कम होने दें, ब्रह्मचर्य। इंद्रियों पर प्रभावी नियंत्रण हो, नियम बनाए जीवन के कि मैं संतोषी बनूंगा, शरीर को स्वस्थ रखूंगा, ये जो भैया भगवान ने मुझे नौका दी है इसको मैं प्रभावी रूप से सदैव चलायमान रखूंगा, कहीं मैं इसमें दोष नहीं आने दूंगा। फिर जब आप थोड़ा आगे जाएंगे तो वह नंदी बैठा है। नंदी मतलब आसन। यदि आप आसन में बैठना नहीं जानते तो फिर आप ईश्वर को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको आसन में बैठना आना चाहिए, और आसन में आप तब तक नहीं बैठ पाएंगे जब तक कि आपका आहार सही नहीं है। एक बौद्ध भिक्षु से मिलने का मौका मिला, उनसे पूछा आपकी साधना का क्या नियम है? तो उन्होंने बताया, हम इतना सा भोजन लेते हैं, बस इतना जितना ये है, और हमारे यहां नियम ये है कि भोजन करने के तुरंत बाद ध्यान में बैठना होता है। और आप क्या करते हैं भोजन करने के बाद? आप कहां बैठते हैं? आप बैठते नहीं, लौटते। भोजन करने के बाद आराम। तो भोजन इतना जो आपके आसन को कहीं डिस्टर्ब न कर दे, आपके आसन में विकृति न ला दे। नंदी, आप शिव के दर्शन करने जा रहे हैं, आप 5 सीढ़ियां चढ़े हैं, आपने नंदी देखा, ये सब संकेत है। क्या आप वैसे ही चक्कर मार के आ जाना, कुछ मिलेगा नहीं जब तक तो इन संकट
संकेतों का अर्थ आपके पल्ले नहीं पड़ाएगा। आगे आप देखेंगे हनुमान है, प्राणायाम, वायु सांसों को नियंत्रित करके अपने मन को नियंत्रित करने। हनुमान का मुख कपी जैसा है, बंदर जैसा, बंदर मतलब मन चंचल, तो मन को नियंत्रित करना। जब मन को नियंत्रित कर पाएंगे तब ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे। आगे आप देखेंगे उस मंदिर में कछुआ है, प्रत्याहार, जिसने अपनी इंद्रियों को अंदर सकोड़ लिया है, जिसकी कोई इच्छा नहीं रह गई है, ये सांकेतिक है। वो कछुआ अपने हाथ पैरों को अंदर कर लेता है जब कोई कठिनाई आ जाए तो ऐसे ही जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके बैठा है वो शिव को प्राप्त कर पाएगा। थोड़ी सी आगे चलेंगे तो गणपति मिलेंगे, धारणा, जो ये निश्चित करके सोच बैठा है कि ईश्वर प्रत्यक्षदर्शी है, जो दिख रहा है वो सब ईश्वर है और जो नहीं दिख रहा है वो भी सब ईश्वर है। ऐसी धारणा जब तक मन में नहीं है, जो अपने कर्म को ईश्वर के बताए से बिलक कर रहा है वो कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा। जिसका नियम ये है कि जो हो रहा है, मुझे जो सेवा मिली है, मुझे जो गुरु मिला है, मुझे जो भाव मिला है, मुझे जो कार्य मिला है, मुझे जो शरीर मिला है, मुझे जो प्राप्त है वो और जो नहीं प्राप्त है वो, ये सब ईश्वर इच्छा से है और ये ईश्वर है मैं स्वयं। क्योंकि आप जब ईश्वर की पूजा करते हैं तो पहले आपको ईश्वर जैसा बनना पड़ता है। आप ईश्वर बनके ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। ब्रजवासियों ने कृष्ण के अपना सखा माना, अपने बराबर का माना, कभी उसे ऊंचा नहीं माना। गोवर्धन लीला के बाद भी कृष्ण से कभी किसी ने नहीं कहा कि तैने गोवर्धन उठाया है। सब चिढ़ाते थे कृष्ण को कि तैने क्या किया, हमने अपने डंडों से उठाया था। और भगवान ने भी कभी नहीं कहा कि मैंने उठाया है। ऐसी धारणा बनाएं तब शिव प्राप्त होंगे। क्योंकि वो अनंत है, नमस्तो अनंताय, सहस्त्र पादाय, सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्र मूर्तये, जिसके अनेकों मुख हैं, अनेकों पाद हैं, अनेकों हाथ हैं, अनेकों आंखें हैं, वो विराट विस्तृत होके चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसी धारणा जब बनेगी तब शिव प्राप्त होंगे। ये जो ब्रह्मांड है, चरचराचर जितना भी जगत सृष्टि है, जितनी भी बड़ी सृष्टि का पूरा हिस्सा है, उस 100% में से केवल 4.0% हमें पता है। उस सृष्टि का जो धरती अंबर जल वायु आकाश नक्षत्र सब कुछ है, उस टोटल में से हमें 4% ज्ञात है। और उसमें से उस 4% में से भी 99.99% तो ये अंतरिक्ष में जो तारा मंडल और सूर्य चंद्रमा दिख रहे हैं ये है, और 0.01% ये वो है जिस पे हम लड़ झगड़ रहे हैं। ये धरती अंबर जो दिख रहा है, जो सामने है, जल वायु धरती जो कुछ है, ये 0.01% है उसकी सृष्टि का। उसने कितना भर छोड़ा है और कितना बकाया है जानने के लिए, कितनी छोटी इकाई है हम और कितना विराट है वो। तो जब ऐसी धारणा आप लेके आएंगे तब फिर सामने भवानी मिलेंगी।